सरदार ज्ञान सिंह जी, उनकी जो इधर शेलिंग हुई थी, स्मोक बम लगे थे जो हमने कंफर्मेशन किया, उससे उनका दम काफी घुट रहा था और कल सुबह उसको रजिंद्रा अस्पताल में भेजा गया तो वहां उनकी शहीदी हुई है। सरदार ज्ञान सिंह जी गुरदासपुर से। सरकार से कोई मांग की? हाँ, पंजाब सरकार ने उनके लिए 5 लाख का चेक देने का वादा किया है और वो डीसी पटियाला और अब गुरदासपुर डीसी को कहा जाएगा, अब वो कंफर्मेशन करे। उनके जो वारस है, उनका एक भाई है, उनका कोई बेटी बेटा नहीं है, घरवाली उनकी डेथ हो चुकी है तो उनको उनके नाम चेक दिया जाएगा। तो जैसे लोगों में काफी आक्रोश है यहाँ से, जो जितने भी फार्मर्स बैठे हैं, एक पहली शहीदी हुई आपके पास। हाँ देखिए, ये दो आगे जो चौथी मीटिंग में क्या रिजल्ट आएगा? हाँ देखिए, कम जो भी किसान लहर के सबके सांझे शहीद होते हैं, पहले भी 750 शहीदियां हुई, अब भी पहली शहीदी इस मोर्चे की थी, दो बड़े फोरम उनकी हुई है और ये कौम के शहीद हैं, किसान मजदूर आंदोलन के शहीद हैं। और कल उनका पैतृक गांव जो गुरदासपुर में, वहां हम उसका 12 बजे संस्कार करेंगे, तो सभी लोगों को आम जनता से निवेदन है उसके संस्कार में पहुंचे और मान सम्मान से हम संस्कार कर सकें। नौजवानों किसान में काफी आक्रोश है, उनको कैसे आप देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम चौथी जो मीटिंग के बाद झुकेंगे? देखिए, दो बातें हैं इसमें। देखिए, सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है, आज भी 2 आदमी इधर हमें पकड़े हैं, उधर से आदमी पकड़े गए, वो अपने आदमी मतलब घुसा कर कुछ इस तरह से शरारत करने की कोशिश कर रही है। अब जरूरत है, जिस तरह से कौमांतरी पदर पर ये मोर्चा बन गया इंटरनेशनल लेवल पर, इसको बड़ा ध्यान से चलने की बात है। ठीक है, हम कमिटमेंट अगर मीटिंग में कुछ नहीं लिखेगा तो फिर आगे का निर्णय भी लेंगे। इनका पार्थिव शरीर देने में भी कोई पुलिस ने आना कानी की? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, जो आज की शहादत है हमारे इस आंदोलन का, वैसे तो ऐसे आदमी का चला जाना जो जो देश के लिए कुछ कर मिटने वाला, मर मिटने वाला होता है, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऐसे पैदा करता है। लेकिन मेरा ख्याल है उनका जाना भी अब पता नहीं कितने लोगों को एस्पिरेशन देकर जाएगा। आर्थिक गवर्नमेंट से कैसी मांगी आप? कैसे नहीं, हमने मतलब ये कहा था उनको कि जैसे दिल्ली आंदोलन के शहीदों को जिस पैटर्न पे मदद की गई है उसी पे इनकी गई है, उन पर उस पर सरकार ने सहमति दी है कि हम इनको 5 लाख रुपया मदद, आर्थिक मदद। लड़कों में आक्रोश बढ़ता है, कोई ना कोई रोज कोई शराबी उनसे पकड़ा जाता है, उससे आपका क्या कितनी है? देखिए, लड़कों को आक्रोश में नहीं आना चाहिए, आक्रोशित होने का समय नहीं है, ऐसे हालात में संभलने का, अपने आप को संभालने का और मोर्चे को संभालने का समय है। सभी इस समय उनकी जो इसमें ऐसे लोग आकर जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से इसमें घुसपैठ करवाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे लोगों से हमें लोगों को हमारे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। पुलिस का भी पकड़ा गया? देखिए, वो जो पुलिस का मुलाजिम पकड़ा गया है उसके बारे में आज इंक्वायरी मार्क हो गई है और वो DIG इंक्वायरी करेंगे उनकी और पता चल जाएगा। कहाँ से पकड़ा गया था? वो उधर वाले बॉर्डर से पकड़ा गया था, इधर नहीं थी वो। इधर भी बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं, उसके बाद लगातार सभी जगहों पर ये ऐसी घटनाएं घटती रही हैं और हमें उनसे सचेत रहना पड़ेगा। रोल रोल रोल।